गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज मैंने बोला था कि हम करंट अफेयर बेस्ड क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जितना भी आपका जनवरी टू अगस्त यानी कि 15 अगस्त तक के जो भी हमारे करंट अफेयर बनते हैं उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, कुछ आज करेंगे और कल जो होगा कुछ कल भी करेंगे। कल आपकी एक स्पेशल क्लास होगी, ठीक है, उसकी टाइमिंग आपको पता चल जाएगी, 4 से 6 इवनिंग में होगी, 4 से 6। क्लियर है? तो अभी क्या करते हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू है, वो सॉल्व हो जाएगा, अभी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है, आपका क्वेश्चन है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आपको उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है कि क्या नाम है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और AIFF ने, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, तो क्या नाम है बताइए। गुड मॉर्निंग, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से आंसर दीजिए। ई लर्निंग, ई प्लेइंग, ई पाठशाला या ई क्रीड़ा, बताइए क्या नाम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ई पाठशाला। इसका जो आंसर है वो है आपका ई पाठशाला। ई पाठशाला दो जो आपके फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने मिलकर लॉन्च किया है, जो SAI साई है आपकी, उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। संदीप प्रधान इसके क्या हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, MS धोनी के बाद, महेंद्र सिंह धोनी के बाद किस क्रिकेटर ने जो है 15 अगस्त 2020 को संन्यास ले लिया। ठीक है, बताइए, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, सुरेश रैना या फिर पार्थिव पटेल, आंसर दीजिए। महेंद्र सिंह धोनी के साथ किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की। तो देखिए क्या है, ये आपका 15 अगस्त का क्वेश्चन है, पहले वाला भी 15 अगस्त का ही था, यानी कि हम सारा कवर करेंगे। चलो इसका आंसर दो। तो सबको पता है किसने, सुरेश रैना, किसने, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ने क्या किया है, संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी लाइस राम मनी तोम्बी सिंह ने इनकी जो है डेथ हो गई, 39 ईयर्स के थे ये, तो ये किस खेल से संबंधित थे, ये बताना है आपको, ये किस खेल से संबंधित थे बताइए। हॉकी, मुक्केबाजी, क्रिकेट या फुटबॉल, आंसर दीजिए, बताइए आंसर दीजिए कि ये किस खेल से संबंधित थे। हॉकी गलत आंसर है, सही उत्तर बताओ कि ये किस खेल से संबंधित थे। ठीक है, तो ये जो है आपके फुटबॉल से संबंधित है, किससे, फुटबॉल से। ठीक है, और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए ग्रैंड प्रिक्स 2020 की फॉर्मूला वन की 70th यानी कि 70वीं वर्षगांठ नहीं आएगा, 70वीं जो वो हुई चैंपियनशिप हुई, उसको किसने जीता बताइए, उस पर्सन का नाम बताइए जिसने आपकी ग्रैंड प्रिक्स 2020 यानी कि 2020 में वो कौन सी थी, 70वीं चैंपियनशिप थी, उसको किसने जीता। हाँ जी, वो फुटबॉल से संबंधित है, इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए, हैमिल्टन,
वी बोटास या फिर मैक्स वेरस्टैपेन या फिर ए एल्बोन, बताइए किसने जीता, जल्दी से उत्तर दीजिए। क्या आप लोग रेगुलर करंट अफेयर पढ़ते हैं? तो ये जो करंट अफेयर है आपके वो जुलाई या अगस्त के ही हैं, ठीक है, ये तो अगस्त का ही होगा, बताइए इसका उत्तर। हैमिल्टन, वाह भाई वाह, हैमिल्टन है इसका आंसर, सभी ने हैमिल्टन ही दिया है, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। जी नहीं, हैमिल्टन जो है वो उत्तर आपका क्या है, गलत है, क्या है जी, गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती है, क्या, ग्रैंड प्रिक्स की 70th फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स की 70th चैंपियनशिप जो है आपकी वो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती है। लुइस हैमिल्टन ने कौन कौन सी जीती है वो आगे आएंगे क्वेश्चंस में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको देखो F1 ग्रैंड प्रिक्स 70th अगर पूछा जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती है। चलिए, जिसका उत्तर गलत हो जाए तो टेंशन मत लेना, अब याद कर लेना आगे क्या होगा, आगे आपका सही होगा, ठीक है। ये क्या हुआ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा,
क्वेश्चन है, है ना, साउंड है अभी? अगर साउंड ऑन है, अरे यार कौन सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरमनप्रीत के साथ किस अन्य क्रिकेटर को WTF स्पोर्ट्स इंडिया और ग्लोबल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। जी साउंड आ गई है, फाइल भी आपकी ठीक है बिल्कुल। चलिए क्लास को शेयर कर देना। चलिए आंसर दीजिए, बताइए कि हरमनप्रीत कौर के साथ किस क्रिकेटर को जो है WTF स्पोर्ट्स इंडिया और ग्लोबल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके युवराज सिंह, KL राहुल, सुरेश रैना और रोहित शर्मा। ठीक है, उत्तर दीजिए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट आंसर दीजिए। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सुरेश रैना। कौन है जी? सुरेश रैना। सब एक ने रोहित शर्मा आंसर लिख दिया, तो सबका आंसर क्या आएगा? रोहित शर्मा, है ना, जो कि गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सुरेश रैना। सुरेश रैना को हरमनप्रीत कौर के साथ क्या WTF स्पोर्ट्स इंडिया और ग्लोबल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला देखिए कि जो फोर्ब्स लिस्ट आती है, फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है उसमें सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली कौन सी महिला खिलाड़ी नंबर वन पे है, यानी कि टॉप किया है किसने? ये मैं पहले करा चुकी हूँ, तो इसका उत्तर दीजिए। जी शिवपाल ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। चलिए बताइए, साइना नेहवाल, सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका या इनमें से कोई नहीं? उत्तर दीजिए। इसका जो है आप आंसर दीजिए कि जो फोर्ब्स की लिस्ट आती है उसमें किस महिला खिलाड़ी ने टॉप किया है, ये है। तो राइट आंसर क्या है आपका? टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स। क्या है जी? सेरेना विलियम्स, ये जो है आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फुटबॉलर है, फुटबॉलर इकर कैसिलस, क्या इकर कैसिलस जिन्हें हाल ही में अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है, वो किस देश के हैं? आपको ये बताना है कि जो इकर कैसिलस हैं वो आपके किस देश के हैं। इकर कैसिलस जो हैं वो किस देश के हैं, इन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। जी बताइए, तो ये जो है आपके वो स्पेन के हैं। कहाँ के? स्पेन के। ठीक है, कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चर्चा में जो खिलाड़ी रहते हैं जिन्होंने या तो रिटायरमेंट ली है या कोई टूर्नामेंट जीता है या फिर कोई उनको अवार्ड मिला है, वो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि किस चीनी कंपनी को IPL टाइटल प्रायोजक के रूप में बाहर किया गया है, यानी कि वो अब जो आपके IPL होती है उसको स्पॉन्सर नहीं करेगी। बताइए कौन सी कंपनी है? बताइए जी, कंपनी का नाम बताइए, वीवो, ओप्पो, ज़ियोमी या फिर हुआई, बताइए कौन सी है? तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, क्या? वीवो। क्या? वीवो। ठीक है, वीवो जो है वो अब IPL को स्पॉन्सर नहीं करेगी। और याद रखिएगा, जो IPL का आपका 13th संस्करण है, 13th जो सेशन है वो कहाँ पर होगा? UAE। कहाँ होगा? UAE में होगा। ठीक है, चलो आगे, ये आपके पूरा जुलाई अगस्त का चल रहा है अभी। चलिए, इन विच कंट्री विमेंस वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप, मैंने कल भी कराया था, क्या महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित की जाएगी? बताइए किस देश में महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित
की जाएगी? बताइए जी, बताइए जी। उत्तर दीजिए। हाँ, आकाश कुमार ने बिल्कुल सही बढ़िया उत्तर दिया है। क्या? कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक है, जो हमारी कंट्री है, इंडिया की जो टीम है, इंडिया की जो टीम है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्या? इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसने इस चैंपियन से बैकआउट कर लिया है। किसने? इंडिया ने। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा? कुआलालंपुर में। चलिए नेक्स्ट है आपका विस्डन ट्रॉफी टूर्नामेंट बिटवीन। देखो, एक टूर्नामेंट है, कौन सा आपको पता होगा? विस्डन ट्रॉफी टूर्नामेंट किस किस के बीच में होता है? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में होता है। क्लियर है? अब ये नहीं होगा, यानी कि ये रिटायर हो गया है, ख़त्म हो गया है। क्लियर? तो इसकी जगह पे कौन सी ट्रॉफी आएगी? इसकी जगह पे कौन सी ट्रॉफी आएगी? क्वेश्चन समझ आ गया आपको? क्वेश्चन समझ आया? अगर समझ आया है तो बताइए। देखो, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच विजन ट्रॉफी टूर्नामेंट हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ, यानी कि अब ये जो ट्रॉफी है ये नहीं होगी। ठीक है, ये लीग नहीं होगी, तो इसकी जगह पे कौन सी ट्रॉफी जो है इसकी जगह लेगी, ये बताइए। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया है, क्या? रिचर्ड बोथम। उसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, रिचर्ड बोथम ट्रॉफी जो है इसकी जगह लेगी। हाल ही में ये क्या हुई थी? जो आपका लास्ट संस्करण हुआ था, किसका? विस्डन ट्रॉफी का जो अंतिम संस्करण है वो हाल ही में हुआ था, और किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता। किसने? इंग्लैंड ने जीता, वेस्ट इंडीज को हरा कर। ठीक है, इंग्लैंड ने जीता, 2-1 से सीरीज जीती थी। चलिए नेक्स्ट है आपका रजत भाटिया। क्या? रजत भाटिया, इन्होंने अभी अभी जी, सभी ने बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं। ठीक है, सबके आंसर बढ़िया है, जिसका गलत हो जाता है उसका भी सही है कि आगे गलत नहीं होगा। सभी ने अच्छे उत्तर दिए हैं। इसका उत्तर दीजिए कि जो रजत भाटिया है उन्होंने भी क्या किया है? रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? बताइए, रजत भाटिया किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो सभी ने जो है बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है, और उत्तर क्या है आपका? क्रिकेट। क्या है जी? क्रिकेट। ठीक है, ये एक आईपीएल में खेलते थे, इन्होंने क्या की है? रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। आपको ये बताना है कि नवीनतम आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग के अनुसार कौन सा, टेस्ट रैंकिंग के अनुसार कौन नंबर वन ऑलराउंडर बन गया है? बताइए, आईसीसी की, देखो पीडीएफ ऐप पे जाती है, कुछ टेक्निकल इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अभी आप पढ़ लीजिए। हु हैज़ बिकम नंबर वन ऑलराउंडर इन लेटेस्ट आईसीसी? चलिए देखिए, क्लास शुरू हो चुकी है फिर से। ठीक है, क्लास शुरू हो चुकी है, सभी वापस आ जाएंगे, जो भी जहां चला गया है वहां से वापस आ जाएगा क्लास में। नेट इश्यू हो जाता है कभी कभी, ठीक है, समझ जाया करो। चलो बताओ, जितने ही बच्चे हैं क्लास को शेयर कर दो कि क्लास शुरू हो गई है फिर से, है ना? क्लास शुरू हो गई है, तो हम क्या कर रहे थे? ये क्वेश्चन कर रहे थे कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 53rd बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में ग्रैंड मास्टर ट्रायथलन में दूसरा स्थान हासिल किया? बताइए, अपनी बातें ख़त्म करके इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए, जल्दी से बताइए, आंसर दो, आंसर दो जल्दी से जी। क्लास में आ गए ना, क्लास को जल्दी से शेयर कर दो, जो कहीं चला गया है उसे वापस बुला लो, जल्दी 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 से क्लास को शेयर करके अपने दोस्तों को वापस बुलाओ, और बताओ कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने
53rd बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रैंड मास्टर ट्रायथलन में दूसरा स्थान हासिल किया? बताओ, आंसर तो दो, आंसर तो दो ना। तो देखो, एम रविचंद्रन, ये क्या है, सभी आपके चेस प्लेयर्स हैं। एस सीतारमन, एन शिवरामन या पी हरि कृष्णा, कोई तो आंसर दो। डी डी जिसने भी उत्तर दिया, आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। पी हरि कृष्णन ने क्या किया, आपका जो बील, जो बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव था, अच्छा बील कहाँ पे होता है आपका, ये आपका कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है जी? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। वहाँ पे आपकी शतरंज फेस्टिवल होता है, उसमें इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। 2019-20 प्रीमियर लीग सीजन के लिए फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता या किसको दिया गया? बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर देंगे सभी, कि जो आपका प्रीमियर लीग के लिए 2019-20 प्रीमियर लीग सीजन के लिए फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? चलिए बताइए, बताइए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जॉर्डन हिंडरसन को फुटबॉलर ऑफ द ईयर से नवाजा गया, ठीक है। किसको? जॉर्डन हिंडरसन को। थोड़ा पेशेंस बना के रखा करो, एकदम भाग जाते हो, ठीक है। इसका आंसर दीजिए, अनुरागवान किस खेल से जुड़ी हुई है? अनुरागवान किस खेल से जुड़ी हुई है? बताइए, जो अनुरागवान है वो किस खेल से जुड़ी है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या एथलीट? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, ये किस खेल से जुड़ी हुई है अनुरागवान? इन्होंने जो है 2018 एशियन गेम्स में जो मेडल जीता था उसको अपग्रेड करके क्या कर दिया गया है? गोल्ड मेडल। क्यों? क्योंकि जो जिस पर्सन को गोल्ड मेडल मिला था वो डोपिंग टेस्ट में क्या मिला? फेल, ठीक है, मतलब पॉजिटिव मिला। तो ये किस खेल से जुड़ी है? ये एथलेटिक्स है, एथलीट। क्या है? ये एक एथलीट है, ठीक है, याद रखना। कौन? अनुराघवन, अनुराघवन। नेक्स्ट है आपका श्रीपाली वेरा कोडी, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाली श्रीपाली वेरा कोडी किस देश से है? बताइए जी, किस देश से है? क्लास को शेयर कर दीजिए, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो जाता है, क्लास को शेयर कर दो। तो किस खेल से है ये? किस देश की है ये? ये है श्रीलंका। किस देश की है? श्रीलंका, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रीलंका। चलिए, हु वॉन द फॉर्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? देखो, पहले वाला क्या था आपका? फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, ठीक है। अब पूछा गया आपसे हंगरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? बताइए किसने जीता, राइट आंसर बताइए, बताइए किसने जीता। ऑप्शन है आपके पास चार्ल्स लेक्लर, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपेन या वाल्टेरी बोटास? बताइए जी किसने जीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन। क्या हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन। अगर आपसे पूछा जाए हंगरी, क्या लिखा है उसमें? हंगरी, ठीक है, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, तो आंसर क्या होगा आपका? लुइस हैमिल्टन होगा। चलिए, जो नेक्स्ट है आपका वो है ये, बताइए, याद रखना, अगर हंगरी पूछा जाए तो लुइस हैमिल्टन क्या होगा? आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा?
फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? स्पेन में, कतर में, जापान में या यूएसए में? बताइए बताइए जी, स्पेन में, कतर में, जापान में या यूएसए में? कतर, बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या कतर? क्या है जी? कतर। टेक्निकल चीज़ें होती है, थोड़ा इश्यू हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सब्र बना के रखा करिए। कल जो क्लास होगी आपकी वो एक मैराथन क्लास होगी। हु विल रिसीव दिस ईयर मोहन बागान रत्न? बताइए, जो मोहन बागान रत्न है वो इस साल किसको दिया गया? बताइए जी, बताइए बताइए। ऑप्शन है आपके मनप्रीत सिंह, गुरबख्श सिंह, हरजोत सिंह या बलबीर सिंह? बताइए, मोहन बागान किस किस को दिया जाएगा? मोहन बागान रत्न से किस किस से किस किस को नवाजा जाएगा? उत्तर दीजिए। देखो, मोहन बागान क्या है? क्लब है, एक हॉकी क्लब है। आपको ये बताना है कि किस किस को क्या नवाजा जाएगा। देखो, ऑप्शन है आपके पास मनप्रीत, हरजोत, गुरबख्श। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? गुरबख्श सिंह। ठीक है, किसको जी? गुरबख्श सिंह को। उनके साथ साथ आपके जो है क्रिकेटर हैं, पलाश नंदी। ठीक है, नाम याद रखना। क्या क्रिकेटर है आपके, फॉर्मर क्रिकेटर पलाश नंदी? ठीक है, इनको भी दिया जाएगा। ठीक है जी, दो लोगों को, हॉकी प्लेयर गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। चलिए, मोहन बागान रत्न। नेक्स्ट है आपका, हु वॉन द स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स? दो हम पढ़ चुके, हंगरी, लुइस हैमिल्टन था आपका। ठीक है, फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स आपका मैक्स था। अभी थर्ड आया है आपका, ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में, रेड बुल रिंग में स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? बताइए जी, किसने जीता? तो ये भी किसने जीता बताओ? मैक्स, वाल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दो। स्लो बेटा, क्वेश्चन ना बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। बफरिंग की वजह से क्लास रुक गई थी, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा इश्यू हो जाएगा। इसलिए क्लास ऑनलाइन है, कमेंट देख रही हूं मैं। चलो, क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जी लुइस हैमिल्टन। क्या है? लुइस हैमिल्टन। ठीक है, चलो आगे चलो। तो नेक्स्ट है आपका वो ये है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आयोजकों ने रद्द कर, यानी कि जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है उसको रद्द किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो प्लेयर्स हैं उनको क्या किया जाएगा? भुगतान किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, पेमेंट की जाएगी। तो कितने पैसे दिए जाएंगे आपको ये बताना है। ठीक है, विंबलडन चैंपियनशिप जो है आपकी उसको रद्द किया गया है, लेकिन क्या है जी, उसकी राशि दी जाएगी, उनको भुगतान किया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि कितनी राशि दी जाएगी, बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से, 11.5 आंसर आया। देखो कितनी राशि दी जाएगी, राशि दी जाएगी आपको $12.5 मिलियन। ठीक है, याद रखना $12.5 मिलियन। अच्छा ये बताओ, जो विंबलडन होता है वो किस ग्राउंड पे होता है? क्ले, ठीक है, या फिर ग्रास पे होता है, कैसे कोर्ट पे होता है, या हार्ड कोर्ट पे होता है, ये बताइए। तो जो विंबलडन होता है आपका वो ग्रास पे होता है। किस पे होता है? ग्रास पे होता है। इसका आंसर दीजिए। 31 साल की स्क्वैश खिलाड़ी और दुनिया की
वर्ल्ड यानी कि नंबर वन रैंकिंग प्राप्त करने वाली महिला रेनम एल वेली ने रिटायरमेंट की घोषणा की, ये किस देश की है? आपको बताना है कि ये किस देश की है, बताइए जी ये किस देश की है, आंसर दो, आंसर दो, ये किस देश की है? आंसर दीजिए ये किस देश की है? रानीम एल विली 31 ईयर ओल्ड स्क्वैश प्लेयर एंड वर्ल्ड टॉप रैंकिंग विमेन स्क्वैश प्लेयर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, सी इज फ्रॉम विच कंट्री, बताइए किस देश की है? तो ये जो है आपकी वो कहाँ की है? इजिप्ट की है। कहाँ की है? इजिप्ट यानी कि मिस्र की है। कहाँ की? मिस्र जो आपका देश आ जाता है ये वहाँ की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, पीडीएफ मिल जाएगी उससे रिवीजन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी उससे रिवीजन कर लेना आप, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले टू मार्क द, देखो अच्छे से समझ लेना क्या पूछा गया आपसे। ये पूछा गया है कि टू मार्क द 100th ईयर ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक गेम्स, भारत ने मतलब इंडिया जो है वो ओलंपिक्स में 100 साल से क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको मनाने के लिए जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया है, एक दृश्य पहचान को अपनाया है। तो आपको ये बताना है कि जो हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष कौन है, क्या बताना है उसके अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कौन है, बताइए कौन है, उत्तर दीजिए। भारत जो है वो 100 सालों से ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको बनाने के लिए कुछ आइडेंटिटी अडॉप्ट की गई, किसके द्वारा, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि भारतीय ओलंपिक संघ के जो है वो अध्यक्ष कौन है, बताइए, बताइए। इंग्लिश में बोल चुकी हूँ, ठीक है, अब आंसर दो। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ठीक है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, क्या है ये, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, याद रखना। आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में जो पुरुषों के 52 किलोग्राम वर्ग में जो कौन है जिसे प्रथम स्थान दिया गया है, हु हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ मेंस इलाइट 52 वेट कैटेगरी, ये याद रखना कि कितनी वेट कैटेगरी में है, ठीक है, तो कितनी में है, 52 केजी वेट, कितने में, 52 केजी वेट में किसे जो है पहला स्थान दिया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके ये देखिए, विकास कृष्ण यादव, शिव थापा, मनीष कौशिक या अमित पंघाल, बताइए, 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 आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से, क्या कीजिए, आंसर दीजिए कि किसे जो है क्या दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है, किसके द्वारा, किसके द्वारा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जी। तो ये जो है आपके वो है जी कौन, अमित पंघाल, कौन, अमित पंघाल, ठीक है, अमित पंघाल को जो है फर्स्ट यानी कि प्रथम स्थान दिया गया। ये बताइए कि देश के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, चेस की बात हो रही है, किसके बारे में पूछा गया है आपसे, चेस के बारे में पूछा जा रहा है। आपको ये बताना है कि देश के 66th, कौन से नंबर के, 66th नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने, जी आकाश, हम्पी कोनेरू, कृष्णन शशिकिरण या फिर अभिजीत गुप्ता, बताइए।
चेन्नई से बिलोंग करते हैं? आप नाम बताइए, बताइए, चेन्नई से बिलोंग करते हैं? आप नाम बताइए। तो कौन बने हैं? जी आकाश, ठीक है। ये कहाँ से हैं? चेन्नई से हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ के हैं, तो ये जो हैं आपके चेन्नई के हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंतरिम चेयरमैन, जो अंतरिम अध्यक्ष है, उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए, आईसीसी के इंटरिम चेयरमैन, इंटरिम यानी कि जब तक जो है फुल टाइम चेयरमैन को नहीं बनाया जाएगा तब तक ये क्या करेंगे? इंटरिम चेयरमैन के रूप में पदभार यानी कि कार्यभार संभालेंगे। तो किसे बनाया गया है ये बताइए, बताइए जी, बताइए किसे बनाया गया है? मोहन शर्मा, आर के छिब्बर, वेणुगोपाल धूत या इमरान ख्वाजा? उत्तर दीजिए जी। तो जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका वो क्या है? इमरान ख्वाजा। इन्हें क्या बनाया गया है आपका? आईसीसी का इंटरिम चेयरमैन। क्या बच्चों? इंटरिम चेयरमैन। चलिए, हु वॉज नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी बाय विजडन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन बैटिंग एंड फील्डिंग? बैटिंग और फील्डिंग में क्या करने के लिए, भागीदारी के लिए किसे जो है विजडन द्वारा 21वीं सदी का भारत का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का नाम दिया गया है? बताइए कौन है विजडन द्वारा किसे, बोथ फील्डिंग और आपका बैटिंग में, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या या करुणाल पांड्या? जी, तो जो राइट आंसर है आपका वो क्या है? सर रविंद्र जडेजा, है ना। सर क्या है इनका? निकनेम है, ठीक है, सर रविंद्र जडेजा। चलो आगे देखो, विच एम्पायर फ्रॉम इंडिया बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि भारत का कौन सा एम्पायर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल होने वाला सबसे युवा सदस्य बन गया है? यूथ यानी कि सबसे युवा। तो इसमें टोटल कितने हैं आपके? तीन एम्पायर हैं, तीन में से जो एक है वो क्या है? सबसे यूथ हैं, ठीक है। आपको उनका क्या करना है? नाम बताना है। बताइए जी। तो किसी ने जो आंसर दिया है वो क्या दिया है? नितिन मेनन। क्या आंसर दिया है? नितिन मेनन। तो जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। ये क्या बन गए हैं? यंगेस्ट एम्पायर बन गए हैं भारत के। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मोबाइल ऐप ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा जिसे हम कहते हैं, उसका एक ऑफिशियल ऐप आया है पहला, आपको उसका क्या करना है? नाम बताना है। बताइए क्या नाम है, बताइए जी क्या नाम है? बताइए जी। अच्छा, ये बता देना कि जो नाडा है उसके आपके चेयरमैन कौन है? नाडा के चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो क्या है बच्चों? नाडा इंडिया, ठीक है। आप बताना जरा कमेंट बॉक्स में आंसर करके, एक होता है वाडा और एक होता है नाडा, ठीक है। ये सब हम कल करेंगे, कल जो क्लास होगी आपकी वो 2 घंटे की होगी। कितने घंटे की? 2 घंटे की स्पेशल क्लास होगी, ठीक है। चलो, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू डेब्यू द देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किए ना आज,
ठीक है, इनको इतना ही रखते हैं, जो रह जाते हैं उनका आपको कल कवर करेंगे। कल जो क्लास होगी वो 2 घंटे की होगी, टाइमिंग आपको पता लग जाएगी, ठीक है, इवेंट बन जाएगा, तो आप कल ज़रूर आना। बहुत ही अच्छी और स्पेशल क्लास होने वाली है आपकी स्टैटिक जीके की। जो भी क्वेश्चन आज रहते हैं, कुछ इश्यू था नेटवर्क उसकी वजह से, तो हम कल मिलते हैं आपसे, ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।